वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट, साबुदाने की चाट और ओट्स का चिल्ला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में 2 टीस्पून ऑयल लिया है। हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है उसमें, और बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है मैंने इसमें। और इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही करना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है, थोड़ी हल्दी और थोड़ी मिर्चें हैं, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें हैं। मैंने इसको 2-3 मिनट फ्राई किया है। मैंने 2 कप साबुदाना रात में भिगो कर रख दिया था, तो बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी खुशक हो चुका है इसका। साबुदाना हमने पैन में ऐड कर दिया है और इसको हमें 2-3 मिनट फ्राई करना है। हमने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। पांच मिनट के लिए मैंने साबुदाने को लो फ्लेम पर रखा है। चलें अब हम ओट्स का चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। मैंने रात में 1 कप ओट्स भिगो कर रखा था। मैंने इसको जार में किया है और इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। इधर हमारा साबुदाने की चाट भी रेडी है। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। ओट्स को हमने बाउल में कर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा नमक और थोड़ी लाल मिर्च पाउडर मिक्स करना है। टू टीस्पून हमने इसमें बेसन ऐड किया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। हमने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च को बारीक चॉप किया है। चलें तो हम ओट्स का चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, ये बहुत कम ऑयल में बनते हैं। हम इस पे थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज जो हमने बारीक चॉप करी थी, और हमें आहिस्ता से इसको पलट देना है। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी हमारा चिल्ला तैयार है। इसी तरह हमें सारे ओट्स के चिल्ले बना लेने हैं।
टेस्टी और हेल्दी हमारा नाश्ता रेडी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।